العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد آله وصحبه اجمعين اما بعد मुहबा हबीब किबरियालबा ओलो नबूत सैरत ख़ातमी नबीन सल्ला वसलम का ये पैंसठवा सबक़ है जिसमें हम इनशा फ़तः मक् के बकिया हिस्से की तकमील करेंगे बतन अल्सम इस्लाम पर बत बतन आत। की जमा बयात अहदोपैमान करना एतात और फरमाबरदारी पर कायम रहने का पुख्ता आज़म व इरादा करना वजतमा अन्ना सुबह मक्का तली बयाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि इस्लाम लोग मक्का में इस्लाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात करने के लिए इकट्ठा हो गए फजल सलहुम अलस्सफा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बैत लेने के लिए सफ़ा पर बैठे सफा पहाड़ी का नाम है सफ़ा मरवा वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और नौ मुस्लिमों से इस्लाम पर कायम रहने के लिए बैत ली बैतली पैमान किया वालना सिस्म आता ही वली रसुल ही फ़ी मस्ताओ और लोगों से अल्लाह और रसूल की बात सुनने और इताद करने का अहद किया जितना हो सके लोगों से ये मुआहदा लिया कि वो जितना हो सके अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे और मानेंगे इताद करेंगे

ओफ़ी हिन्ना हिन्दुन बिनत उतबता जो जो भी सुफियाना मतनक बतन मतनक रतन लिमा काना मिन सनी इहा हमजा और उन औरतों में हिंद बिन ततबा अबू सुफियान की बीवी भी थी जो निकाब ओढ़े हुए भेस बदले हुए थी अपने उस करतूत की वजह से जो हमज़ा के साथ किया था तो हिंद भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी लेकिन हज़रत हमजा रदी अल्लाह अनहू का मसलह करने की बिना पर जो बुरा फ़ैल और बुरा करतूत हिंदा ने किया था उसकी बिना पर वो मारे शर्म के निकाब ओढ़ी हुई और भैस बदली हुई थी मुतनकबा तनकब से निकाब और नाबाब तफाउल और मुतरा ये भी तनक्र से हालत बदलना अजनबी हो जाना भीस बदलना कोई रूप इख्तियार करना जैसे कहा जाता है तनक करा फीजी यदा उफला भीस में आया उसने अलग रूप इख्तियार कर लिया भीस बदल लिया तो यह हाल वाक़ होगा निकाब ओढ़ना तनकब और तनकुर हालत बदलना अजनबी हो जाना भेस बदलना मरतदयता निकाबहा तो मुतन वतान का तर्जमा किया मरतदीता नकाबहा अपना निकाब ओढ़े हुए थी इर्तदा इर्तदी अर्तदा अन ओढ़ना पहनना लिमा कानीन सनी यहाँ सनी फ़ैल को कहा जाता है प्लानिंग के तहत जो काम किया जाए करतूत फ़ेल कारनामा तो हमज़ा के साथ उन्होंने जो सुलूक किया था उसकी बिना पर मारे शर्म के निकाब ओढ़े हुए भैस बदले हुए थी व आरफ आ रसूल अलैहि वसलम भी हदीस हल जरी रसोल सल्लाम ने उनकी मंदाना गुफ्तगु से पहचान लिया हैदीत जरी मंदाना गुफ्तगु तो वो जरी औरत थी तो मंदाना गुफ्तगु से आप पहचान लिया वसलमत वबायात इस्लाम कबूल कर लिया और आप्लाम से बैत की तो अल इस्लाम या हदिमुमा का नब्ल हो इस्लाम पहले की सारी बुराइयों को सारे गुनाहों को मिटा देता है अब किसी भी नौ मुस्लिम को चाहे हजरत रदी अल्लाह हो अनहा हो या हजरत वाहशी रदी अल्लाह हो या हजरत सुफियान या दूसरे लोग जिन्होंने फ़तह मक् इस्लाम कबूल किया किसी के बारे में दिल में कोई बात लाना या किसी को कम दर्जे का समझना ये दुरुस्त नहीं है जब वो मुसलमान हो चुके सोबत रसूल अलैहि वसल्लम से बहरावर होकर सहाबा के ज़ुमरे में दाखिल हो चुके तो वो सारे के सारे हमारे लिए काबिल अहतराम हैं कुम महयाकुमा तुम तो तुकुम जीना तो तुम्हारे साथ जीना है और मरना तो तुम्हारे साथ मरना है महिया और ममाद ये दोनों मजदर दोन। मीमी के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ज़रफ़ ज़मान के तौर पर भी हाइ य से महिया है मजदर मीमी और ज़मान। दोनुं। ममात भी माता या मूतू से मजदर मीमी और ज़रफ़ ज़मान दोनों दोन तरह दोन। इस्तेमाल होते हैं तो इस वनवान का क्या मतलब है आगे के मजमून से पूरी बात वाज हो जाएगी इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है मुहैया लिखा यूँ ही जाता है लेकिन ऐराब उसका मुहैया चेहरा मुखड़ा कहा जाता है अशरक़त इब्त आला मुहैया उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई है और अहमद शौकी रही ने अपने हमज़िया में इस्तेमाल किया है व बदा मुहैया कल लदीक कसमत हकन व गुरत हूँ हदन व हयाऊ व नूर नबूत रौनकन व मिनल ख़ली वदियही सीमा उ तो मुहैया का आप सल्हल का मुखड़ा आपका चेहरा याकदस वल्मा फतः मक्त आला रसूली जब अल्लाह जबल्ला इज़्ज़त ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम पर मक्का को फ़तह कर दिया खोल दिया वही अबलद हो ववन हो व मौलदू और मक्का आपका शहर आपका वतन और जाए पैदाइश था मौलद जाए पैदाइश पैदा होने की जगह वतन की जमा उतान तहदसल अनसारुफ़ी मा बी तो अनसार के माबे गुफ्तू हुई बातें हुई फ़काल रसोल्ला क़द बिहा अरद होबल फ़ह मदीना। तो अनसार ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी ज़मीन और शहर को फ़तह कर दिया गया खोल दिया गया तो आप मक्का में ही मुक़ीम रहेंगे मदीना लौट कर नहीं जाएंगे मुकीम उम्बिहा मक्का में मुकीम रहेंगे मक्का में ही ठहर जाएंगे मदीना लौटकर नहीं जाएंगे व सआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम عن حديثهم ولا يعرفه غيرهم فاستحيوا ثم اقروا به रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनसार से उनकी गुफ्तगू के बारे में पूछा हालाँकि उनके अलावा उस गुफ्तु को कोई नहीं जानता था तो शर्मा गए फिर इकरार किया तो जे जो भी चे हो रही थी आप ने उनसे पूछा क्या तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है तो उन्होंने पहले शर्म से काम लिया और फिर इकरार किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई की और कहा कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें माजूर समझता है मारे मोहब्बत और अकीदत में तुमने यह सारी बातें कही हैं और फिर सलाम ने फ़रमाया कि नहीं मुझे जीना भी तुम्हारे साथ है और मरना भी तुम्हारे साथ है अल्लाह अल्लाह की पना कि मैं तुमसे बेवफाई करूं ये नबी के लिए कहाँ मुमकिन है तुम्हदल्ला मफोल मतलब के तौर पे इस्तेमाल होता है आऊ दो अल्लाह अलम्याुम व ममात कम वलमात जीना तुम्हारे साथ जीना है और मरना तुम्हारे साथ मरना है तो ये येवान जो कायम किया था वह आप के इस फरमान को लेकर कायम किया था इज़ालत व आज़ारजाहति व शावसनी जाहिलियत के निशानात और बुत परस्ती की आलामात का मिटाना इजाला जाइल करना हटाना मिटाना असर की, की जमा आसार आलामात, जाहिलिया मजदरे सुनाई है वसनीय भी मजदरे सुनाई है बुतस्ती जाहिलियत, शाइरा की जमा शाइर है आलामात मज़हबी रसूमातमत वसूल सल्ला वराया कानतलकाबा फ़कसरत खुलुहा मिनहला व मनातलुरादा मुनादी ही भी मक्का रसोल्ला सल्ला वसम ने अपने सराया को अपनी टुकड़ियों को उन बुतों की तरफ रवाना फरमाया भेजा जो काबा के इर्द गिर्द थे नवाह में थे तो सब के सब तोड़ दिए गए उनमें से लात उज्जा और तीसरा बुत मनात था और मक्का में ऐलान कर दिया गया बस सब बसन फैलाना रवाना करना भेजना इसी से अलबसलमुबास इस्तेमाल होता है लाइव प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट सरिया की जमा सराया फ़ौज की टुकड़ी हवल काबा, काबा के इर्द गिर्द गिर्दा -गिर्द -गिर्द में लात उज्जा और मनात ये तीन बुतों के नाम हैं जैसे कि सरा नजम में भी है तो मुनादी ने मक्का में क्या निदा दी वारही मनकाबिल्लाउमिल आखिर फला फ़ीबीती ही सनमन इल्ला कसरा जो भी अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान रखता हो वो अपने घर में किसी बुत को तोड़े बग़ैर न छोड़े फ़लाँ अदा वदा अदा उसे फ़ला अदा फ़ीबईती ही सनमन अल्ला कसरा हो तो अपने घर में किसी बुत को तोड़े बग़ैर न छोड़े वजालमिनकबा अलफ़म वसनाम रसूल सल्लम ने अपने सहाबा में से कुछ लोगों को कबाइल अरब की तरफ भेजा जिन्होंने उनके बुतों को तोड़ डाला हदम यदि हद मनमुन हदम करना तोड़ डालना तो बुतों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई थी उन सब बुत खानों को पाश पाश कर दिया पूरी तफसील है सीरत की किताबों में किसको कहाँ भेजा गया हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्ला को भी रवाना किया गया था

एहतराम मकामबा आजमत फरमाया लाबिल्हुल्योम आखिर आई यस्फ़ी का फ़ीहा दमन और बिहा शजरतन, जो शख्स भी अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता उसके लिए हलाल नहीं है कि मक्का में खून बहाए या मक्का के दरख्तों को काटे सफ़ा के यस्फ़ी को सफ़ खून बहाना दमन आदन दरख्त काटना उसी से मजहूल इस्तेमाल होता है लाद शजरू मक्का के दरख्तों को नहीं काटा जा सकता तो आधोदया आद काटना दरांती से काटना इसी तरह दरख्त पर चोट मारना ताकि पत्ते जड़ जाए वकाला लम तहल्लाहादिन का न कबलीला तहल्लिहादिन यकुन बादी मक्का मुझसे पहले भी किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा तो मक्का में जिन लोगों को कत्ल किया गया खून बहाया गया तो ये हरमत उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उठा दी गई थी हलाल कर दिया गया था यहाँ तक कि कुछ लोगों को काबा की दीवारों से चिमटे हुए होने की हालत में भी क़त्ल किया गया था तो ये अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया था सोमन शरफ राजनिल मदीना फिर मदीना वापस तशरीफ़ ले गए लौट आए अजहर वफत मक्का है मक्का का असर क्या नतज बरामद हुए क्या असर हुआ वकान अलीफ़त मक्र आमीक़ुनफीफूसल अरब अरबों के दिलों में फतह मक् का एक गहरा असर हुआ आमीक़ अमुक से गहरा फ्र सदर कसर बिन हमल इस्सलाम अल्लाह रबुल्ज़त ने उनमें उन से बहुत से लोगों के सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया सदर सदूर शराह शरा शर खोल देना व सारोद खुलफ़ी ही अरसाला और वह जमत दर जमत इस्लाम में दाखिल होने लगे वसदीम और अल्लाह रबाल्ज़त ने सच फ़रमायादा जासर वालफ जब अल्लाह की नुरत और फतह आ जाए और आयत से नफ़ी दीलिल्ला अफवा जा और तुम लोगों को फ़ौज दर फौज गरोह दर गरोह, अल्लाह के दिन में दाखिल होते हुए देख लो फ़ौज की जमा अफवाज तो ये फ़तह मक्का का एक गहरा असर था जो लोगों के दिलों में पड़ा और लोग पूरे पूरे जमात और पूरे पूरे कबाइल वफूद की शक्ल में मदीना आकर मुसलमान हो गए तो अगले साल आमल वफूद कहा जाता है आगे उसका तजगरा आएगा तमकल इंतसार अलकुफ़ार वसलफ़र वल दीनिक ना वत कबी फाति वफ़त हलकलूबलबसार व फतः हलक मक्कद वसायर अम्सार एक बेहतरीन पोस्टर है तहमल्लबर्दाश्त और अहतरा में इंसानियत पर मबनी तारीख़ मारका दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी जंगों और फतहत की लामहदूद इंसानी तारीख़ में फ़तेह मक्का के मौके पर फ़ात कौम फातह कौम की मफतूँ कौम के साथ आफ गुज़र और, और बर्दाश्त जैसी नज़ीर नहीं मिलती रसूलुल्लाह रसोल्ला अलैहि वसल्लम ने अपने कोलोमल से ये सबित फरमा दिया कि इस्लाम अमन शान सलामती का मजहब है तो इस्लाम को दहशत गर्दी और ज़्यादती जोरों इकराह का मजहब कहने वालों को फ़तेह मक्का का मुतालाह करना चाहिए फ़ातह बनकर खून के प्यासों को जानी दुश्मनों को अजयत पहुँचाने वालों को वतन से निकालने वालों को माफ़ कर देना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम का खासा है फतह मक्का मीस रमज़ान सन आठ हिजरी फतह मक्का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन गजुआ है अहद नबूवी के तमाम गजवात की एक अलग अहमियत है लेकिन मौर्खीन इस बात पर मुतफ़ हैं कि फतह मक्का में इस्लामी शौकत का ऐसा इजहार हुआ कि आलम अरब पर इस्लाम की धाक बैठ गई मुसलमानों को बैतुल्ला में दाखिल होकर तवाफ़ का मौका मिला काबतुल्ला को बुतों और तस्वीरों से पाक कर दिया गया और एक तवील अरसे के बाद अल्लाह की वहदानियत का आलम काबा की छत पर लहराया गया अख़ीर में हज़रत हसान बिन सबित रजील्न का एक क़ीदा आपकी ख़िदमत में पेश किया जा रहा है जो कुछ फ़तह मक् से पहले और कुछ फ़तः मक् के मौका पर उन्होंने इर्शाद फरमाया था तो दीवान हसान बिन साबित में ये हमज़िया कसीदा पहले नंबर पर है इसमें जो मरकज़ी फ़िकरा है कानलफ़त हो कशफलताओ फतह मिल गई और राज फाश हो गया खाला हसनदलमुस्तफ़ा वदाली का कबल फ़तः मक् नबी सलाम की मदहसरायी में फ़तः मक् से पहले और इबन हिशाम रहीम वगैरह ने फरमाया है कि फ़तः मक् के मौका पर एक कसीदा कहाजू अबा सूफिया इसमें अबू सुफ़ियान की हिजो की वक़ान हजन नबी या कब्ल इस्लाम ही अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजो करते थे तो मतला है आफत फलजीवा ओ अला मंजिल खला ओ दियार बनिल हस हाँसी कफ़र तो हर रवा मिसा ओ एक लम्बा कसीदा है आप इसको देख सकते हैं इसके मानी की वजाहत भी हवाशी में कर दी गई है फैमा तुअरिदु अरे दो तमरना वकानलफ़त हो कफल तो ओ तुम मुँह फेरते हो तो हमने उम्रा कर लिया फतह भी मिल गई तुम्हारी बुजदिली का नाकामी का पर्दा फाश हो गया व्ला फसबिर जीला दि यमिन जो इज़्ज़ुल्लुफ़ी ही मई अब भी अगर नहीं समझते तो एक मुकाबले वाले दिन के इंतजार करो जिसमें अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत देगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दे दी मुसलमानों को फतह नसीब फरमा दी वजबरील रसूल्ल फीना वरूल्कुदी सल खिफ़ाओ वक़ा अल्लाद और सल्त अब्दन यक़ूल नफ़ा अलबलाओ आगे फरमाें लनाफ़ी कुल्ली यौमिन मिन मद्दिन सीबाबन औदाओजा ओ हर रोज़ क्रैश से मुढ़बेड़ होती रहती है जंग और हिजो का तबादला होता रहता है तो हज़रत हसान के अशा दुश्मनान इस्लाम के लिए तिरों से ज़्यादा सख्त होते थे फनकम बिलकवाफ़ी मन हजाना व न दरीबो ही न तख्तली तो दिमावल अब सूफिया आन्नी फ़न तजवफन न ख़िबन हवाओ तो अबो सुफियान की खूब खूब मजम्मत की गई है हजो तो महम्मदन फ़ाजब तो आन हो आंदा कल जजाओ अब यहाँ से आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बेहतरीन अवसाफ़ को बयान फरमा कर आपकी मदह सराई की है फ़िम नबी वालरुदी एरद महमद मिनकुम विकाओ फ़हिमा तस कफ़न न बनो लुजैमत इन न कत्फ़ा ओलाशरुन न सरु अल फ़ी अल्फ़ारिन मिन हम दिमा व हिल्फुल हिबन अबी दारिन वफ कौरे दो न बरा उन् लाई बफी ही व बहरी ला तुकद्दिलाओ मक्ता का बहुत प्यारा शेर है मेरी ज़ुबान तेज़ तलवार की तरह साफ़ व शफाफ है उसमें कोई ऐब और खोट नहीं और मेरे बहर का पानी ऐसा गहरा है ऐसा वसी और कुशादा है